जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य का कमान संभाले हैं, जैसे ही विकास काम शुरू किए तो पूरे कने विदेश से बीमारी आ गया, कोविड-19 जैसे महामारी। डेढ़ बरस लड़ते रहे, बचते रहे, बचाते रहे, और इस राज्य के कितने मजदूर दूसरे प्रदेश में थे। लॉकडाउन था, आफरा तफरी का माहौल था, नई सरकार थी, लगा कि अब देश प्रदेश बचेगा नहीं, और इधर विकास भी करना था। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 में हजारों हजार लाखों लोग मरे, सबको समुन्द्र में, तालाब में, डैम में भिगा जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोविड-19 जैसे महामारी में चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, सभी को अपने विवेक से हम लोगों को बचाने काम किया। आज हम लोग बहुत बड़ा आपदा से हम लोग आज बचे और यहाँ एकजुट हैं। हमारे बीच लाखों लाख चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, हमारे नहीं रहे। जैसे हमारे दो दो मंत्री स्वर्गीय हमारे हाजी हुसैन साहब, हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ा आपदा था। दूसरा आपदा आपसे छिपी हुई नहीं है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कि गांव में जो गरीब है उनका विकास कैसे हो, आम लोगों का विकास कैसे हो, मजदूरों का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, शिक्षा का गुणवत्ता क्वालिटी क्वांटिटी में सुधार कैसे हो, इस दिशा में निरंतर हमको लगता है कि रात दिन कभी 2-4 घंटा सोते होंगे, अधिकतर चिंता करते रहते हैं। और देश का पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, जो पूरे प्रखंड प्रखंड में जाकर, पूरे पंचायत पंचायत में जाकर शिविर लगाकर आम लोगों को समस्या सुनने काम किया, समस्या निष्पादन करने काम किया, और लोग टीवी में देखते थे कि मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, लोग पेपर में पढ़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जाके गरीबों से हाथ मिलाए, फोटो खिंचाए, उनका बातों को सुने, हम पहली बार ऐसा 25 बरस के राजनीतिक जीवन में देखने को मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब दलित शोषित पीड़ित जो जंगल में पहाड़ में जिनको सरकारी हक और अधिकार नहीं मिला, बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर में सरकार और नीचे नहीं रहते तो काम नहीं होता, नीचे सरकार बनाओ। हम लोगों ने देखा है 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, सारे सांसद सारे विधायक एक ही दल के थे, लेकिन कोई भी शहर से गांव तक एक भी विकास के काम नहीं हुआ। आज गांव-गांव में घर घर में जो विकास का रोशनी कोई पहुंचाया है तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहुंचाया है। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते थे, चप्पल छूट जाता था, जूता टूट जाता था, वीडियो कहता था कि वृद्धा पेंशन का टारगेट मेरे पास नहीं है, पंचायत सेवक कहता था कि भाई लक्ष्य नहीं है, कोई इंग्लिश में बोला, कोई हिंदी में बोला, कोई समझा, कोई समझ वो नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो आजादी के बाद जो सरकार नहीं किया मैं वैसा काम करना चाहता हूँ, गरीबों को लाभ देना चाहता हूँ। इसी का उदाहरण आजाद गरीब बुजुर्ग जितने 60 बरस उम्र वाले हैं सभी का पेंशन, 50 बरस से 60 बरस 10 बरस जो गिफ्ट था उसका भी पेंशन, और बधा के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 21 बरस से लेकर 50 बरस तक भी सबका पेंशन। यानी ये माय के भी, बेटी के भी, बहन के भी और बहू के भी पेंशन देने वाला है तो हेमंत सोरेन है। और आज जो नियुक्तियां, ये नई नियुक्तियां नहीं है, जब से कमान संभाले हैं तब से पूरे झारखंड में चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी नियुक्ति हो, चाहे वैज्ञानिक नियुक्ति हो, चाहे पंचायत सचिवों को नियुक्ति हो, चाहे पशु विभाग के चिकित्सक के नियुक्ति हो,
चाहे नगर विकास, चाहे आपको वाणिज्य विभाग के सहायक का नियुक्ति हो, चाहे सहायक अभियंता का नियुक्ति हो, अगर कोई रोजगार का अवसर पैदा करने वाला है तो गणेश भूमि नाम लिखाने वाला माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज जितने यहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहन भाई आए हुए हैं, सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है उसको धरातल पर उतारना है। उतारने के मतलब कि आप नियुक्ति पत्र आप सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, आपको शिक्षा में गुणवत्ता कैसे हो, सुधार कैसे हो, छात्र छात्राओं का बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा कि आज पहला नियुक्ति भी पत्र मिल रहा है, नंबर वन। नंबर दो में वेतन चालू होगा एक महीना के बाद, और देश के पहला राज्य झारखंड, अभी रुक जाए, और देश के पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री युवा माननीय हेमंत सोरेन। पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार ने दिया सबको टेंशन और हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन। तो आज का शाम, आज का नाम, अगर घर में बिजली होगा जलाइएगा, मोमबत्ती भी जलाइएगा, हमर छाप ललटेन छाप उसको भी जलाइएगा, लेकिन आज सबको बता देना है आज हेमंत सोरेन के नाम पर घी का दिया जलाना है। भगवान खोजिएगा जंगल पहाड़ में तो खोजने से पत्थर पहाड़ मिल जाएगा, लेकिन भगवान भी मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आज का कोई नौकरी देने वाला है, आपके परिजनों को घरों में खुशी का चिराग जलाने वाला है, तो आज का भगवान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। आप जब तक सरकारी सेवा में है तब तो नाम ले ही, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपको याद आएगा कि हमको कोई नौकरी दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिया है, ये यादगार पल है। तो बहुत संकट परिस्थितियों के बाद सरकार के कई संकट कई परिस्थितियां पैदा हुआ, लेकिन विकास और रोजगार कभी रुका नहीं, विकास के पहिया चलता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दांव पर विकास और रोजगार के लिए सब कुछ लगा दिए हैं, विकास और रोजगार के पूरा ताकत लगा दिए हैं, रुक नहीं सकते। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई भी संकट आए टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते हैं। अब शिक्षकों के लिए शिक्षक सत की राह पर छात्र छात्राओं को चलना सिखाते हैं, शिक्षक सत की राह पर छात्र छात्राओं को चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन आप सभी नव नियुक्त शिक्षकों को जो छात्र छात्राओं को ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। एक और छोटा सा, बहुत विकास बहुत रोजगार हमारी सरकार ने दी, लेकिन जीवन जीने के लिए, अगर जीवन जीना है बढ़िया से, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, तो जीवन जीने के लिए अगर अच्छा लगे ताली मार दीजिएगा। जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं जी? जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, और रोजगार के लिए विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग जो हमारे विपक्षी हैं कहते हैं कि सरकार ये नहीं किया, विकास नहीं किया, रोजगार नहीं किया, सड़क नहीं बनाया, पुल नहीं बनाया। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आपको लगातार 15-16 साल तोड़ मोड़ की सरकार, बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार आपने चलाया, लेकिन आप लोगों ने क्या कहा, एक गली नहीं बना सके, एक नौकरी नहीं दे सके। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। कुछ चश्मा लगा हुआ है मोटा,
नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक और नौजवानों का विकास रोजगार में तकदीर नहीं तस्वीर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।